हालेलुया। सिस्टर का नाम कश्मीर कौर है, जे पाखरपुरा गांव के रहने वाले हैं। जिस सिस्टर की गवाही बहुत बड़ी है, जिस सिस्टर की गवाही जे है कि जिस सिस्टर को 12 साल से टाइफाइड बुखार रहता था और साथ में इनको जूरिया की प्रॉब्लम थी, इनकी बॉडी में बहुत सारी दर्द रहती थी और इनको खांसी की प्रॉब्लम भी थी। और जिस सिस्टर ने बताया कि 5 साल से इन्हें बवासीर की भी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी और जिसके कारण बहुत सारी तकलीफ में रहते थे, मेडिसिन भी लेते थे फिर भी अच्छे नहीं थे हो पा रहे, इसके कारण जी बहुत परेशान थे। फिर किसी ने प्रभु के इनको प्रभु का शुभ समाचार दिया और जी आरआर मिनिस्ट्री में आए और जब जी संगति में आए और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो जी सिस्टर के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया। और आओ हम इस सीन को देखते हैं। चल पूरी तरह से चल 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 उखड़ इसकी जीवन से चल 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 छोड़ आज तेरे दिन खत्म है। चल चल पूरी तरह से सामर्थ्य पवित्र नाम से खुदा जो गुप्त रूप में ये गंदी दुष्ट आत्मा इसके जीवन में काम कर रही है खुदा चल चल आज पूरी तरह से फ्री फ्री फ्री। धन्यवाद पिता, सब प्रार्थना करते रहे। तो जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा इस सिस्टर के लिए प्रार्थना हुई और जी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से फ्री हुए और जो बहुत सारी प्रॉब्लम थी इनको और उससे भी आज ये सिस्टर पूरी तरह से टोटली फ्री हो चुके। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया। सुनो 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 सुनो, देखो आपने अभी सुना किन्हीं कितनी बीमारियां थी, बोलो दोबारा नाम लो कौन कौन सी बीमारियां थी। टाइफाइड बुखार नंबर एक, 12 साल से टाइफाइड, बवासीर की प्रॉब्लम, बवासीर की जूरिया, पूरी बॉडी में दर्द और खांसी की प्रॉब्लम। और ये सब काम कौन इनके जीवन में कर रहा था? दुष्ट आत्मा। क्या कर रहा था? दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रहा था। और सुनो, आपको पता जब यहां पे आए आपने बताया था आपके मैंने सुना था, आपने बताया कि मेरा बेटा भी क्या है, क्या है आपका बेटा? मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, मतलब करनौलिया दे विच उन्हें चर्च लांदे है। हाँ सुनो, इनका बेटा भी खुद क्या है? पास्टर है, सेविक है, वो इनकी जहाँ पे रहते हैं कॉलोनियों में वहीं पे वो चर्च लगाता है। फिर आप यहाँ पे क्यों आए? मेरी प्रॉब्लम जड़ी ही हल नहीं सी हो रही भी, मैं जा मतलब हर टाइम ही एक तरह ही मंजीते मतलब रहती हाँ, दर्दा होंदिया ही, तो मंजीते उन्हें मैंने बथेरा वैसे कहना भी उठ, तो मम्मी ना कलीदा वा भी इन मंजे ने तेन उठना उठाना भी, तू आपे उठेगी तो उठा जाऊ हाँ। है ते मैं ठीक है, मैं कहना कोई गल नहीं आपे उठूंगी, मैं उठती कोट कर दी पर उठा नहीं जा रहा। तो कोशिश सुनो सुनो, वरियाम दियां जड़ियां ही ओ पैणा मेरे नाल काम कर दियां ही, ते मतलब लोग कहंदियां भी तू आंटी बहुत दवाई खानी आ ते तू चर्च नहीं जांदी भी, मैं कहा चर्च ते जानी आ, पता नहीं मेरी प्रॉब्लम जड़ी आ माहौल ही नहीं हुंदी भी, वधदी जा रही आ मतलब घटदी नहीं गी, ते कहंदी भी साडे नाल चलो ते कोई नहीं आ तुसी उत्थे ठीक हो जाओगे। क्योंकि जो चीजें मैंने इन्हें जैसे आज मैंने आपको एक बवासीर की समझाया ना गवाही के बारे कि कैसे खुदा काम करता है, बात ये नहीं है आपके विश्वास की, बात ये है कि पहले समझाने की, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन कैसे दिया, दूसरा तिमोथियुस 3:16 में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने कहा मेरा वचन उपदेश समझाना और सुधारना धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक, ताकि मसीह का जन सिद्ध बने और मसीह की देह उन्नति पाए।
क्या पाई? क्योंकि हमने इन्हें टीच किया, समझाया। क्या किया? टीच किया, समझाया। क्या किया हमने? समझाया। हमने इन्हें टीच किया, समझाया कि परमेश्वर का नियम क्या है काम करने का। बोलो, अभी बात ये नहीं है। बात देखो, इनका बेटा खुद का पास्टर है, पर ये फिर क्या कारण है कि ये यहां पे आए? यही, क्योंकि यहां पे खुदा की ग्रेस काम करती है। क्या करती है? खुदा की ग्रेस काम करती। इनका खुद का बेटा पास्टर है, पर यहां पे खुदा की ग्रेस काम करती है। आप हर संडे वीरवार सुनते हो ना टेस्टामनी, नई नई गवाहियां। बोलो, खुदा का वर्ड जो आप वचन उसका लेते हो। मेरा समझाना इस मिनिस्ट्री को, लोगों को उनके जीवन में कैसे हालात जाएंगे, इन सब चीजों बारे उन्हें सिखाना। बोलो, जब इन्हें भी सिखाया, समझाया, और आज देखो कितनी बीमारियों से परमेश्वर ने क्या कर दिया, टोटली पूरी तरह से क्या कर दिया, क्या कर दिया? टोटली पूरी तरह से आजाद कर दिया। आजाद कर, बोलो क्या कर दिया? पूरी तरह से। तारीफ करेंगे खुदा की।